हाय दोस्तों, मेरा नाम देव और आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में जाना। आज अपन खेल रहे हैं आल द मॉड पैक 6 और मैं अभी आया हूँ एंड सिटी में। और एंड सिटी में क्यों आया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अनऑब्टेनियम एक और होती है पिंक कलर की, तो वो और चाहिए होगी और उससे बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है, तो फिलहाल उसके बारे में बताऊँगा। बट मेरे को मिल गई है तो वो आपको एंड सिटी में एंड में ही मिलेगा, तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपनी माइनिंग गैजेट लेके आया हूँ, तो इससे ही माइन करने वाला हूँ। ये रहा, तो देखो ये आपको रेयर ब्लॉक होता है, तो अगर आपको एक मिल जाए तो उसकी पॉइजन वो होती ना, पॉइजन बनाकर फिर इसे फाइंड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं और निकाल लेता हूँ। तो आपको ये रेयर ब्लॉक होते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा, तो बहुत रेयर ब्लॉक होते हैं ये अनऑब्टेनियम। तो फिलहाल मैं इनको ढूंढ कर अभी आपको 2 मिनट के अंदर अपने रियल वर्ल्ड में मिलता हूँ। तो मिलता हूँ अभी आपको 2 सेकंड में, अभी ये बहुत सारे ढूंढ कर। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ, अब इन अनऑब्टेनियम की ओर को मेल्ट कर लेते हैं। तो ये डुप्लीकेट मशीन मैंने आपको बताई थी, तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो आप देख लो जाके। तो इसमें ये रखेंगे और ये इसकी डस्ट बनाकर इसकी डुप्लीकेट बना के दे देगा। तो डुप्लीकेट क्या होगी, एक डस्ट से अपन को 2 इंगट मिल जाएंगे। तो अपने ऑप्टेनियम के ये मेरे को 3 से 4 मिल जाएंगे। वैसे तो मैं बहुत सारे लेके आया हूँ, 23 के आसपास लेके आया हूँ, तो मेरे को मिल जाएंगे एक ही स्टैक के आसपास, आई डोंट नो। तो फिलहाल देखते हैं, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये बहुत हार्ड मेटल है और ये कहाँ गया। तो ये निकाल लेते हैं, शायद ये मेल्ट हो चुका है और ये 3 मिल चुके हैं और आज इनका बहुत यूज़ है, तो मैं बताऊंगा अभी आपको इनका यूज़। तो फिलहाल अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी इसको देखो वायरलेस करना बता देता हूँ। तो ये एक वायरलेस ट्रांसमीटर है, तो ये ट्रांसमीटर बनाना एकदम ईजी, इसके लिए ये एडवांस वाले प्रोसेस नहीं होते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये फिलहाल आप बना सकते हो इनको सारों को। तो ये एक ट्रांसमीटर बनता है और एक रिमोट बनता है, इसके अंदर वायरलेस क्राफ्टिंग रिमोट ऐसे कुछ है। तो ये एक तो ट्रांसमीटर और एक रिमोट बनता है, तो दोनों बना लेना और इन दोनों से ही ये, और मतलब ये अपन रिमोट से फिर कहीं भी जाकर क्राफ्टिंग, मतलब अपना स्टोरेज मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो इसकी रेंज कितनी है, तो आपको कुछ नहीं, इसको लगा कर और शिफ्ट राइट क्लिक करने पर ये आपका रिमोट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी रेंज शायद 16 ब्लॉक की रेंज होती है। तो अभी छोड़ो, अब आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। एक बार ये हटा देता हूँ और अब बनानी है मेरे को ये। तो इसका नाम है स्पेक्ट्रल आई एमलेट। तो इस एमलेट को बनाने के लिए अपन को ये इंगट बनाने पड़ेंगे और ये अपने पास क्रिस्टल पड़ा है शायद, तो इसकी डस्ट सी होगी, तो मेरे को ये क्रिस्टल वाली डस्ट बनानी पड़ेगी। तो ये रहा, और इसकी डस्ट निकाल लेते हैं अभी इसके अंदर। तो इसके अंदर ये रखो और ये मेरे को डस्ट बना के दे देगा, और फिर अपनी वो इंगट बना लेंगे जल्दी से। तो एक क्रिस्टल की डस्ट बन जा भाई, जल्दी से डस्ट बन जा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये डस्ट बनने में, तो इसके लिए मुझे कम से कम 7 से 8 डस्ट चाहिए होंगी। तो मैं ये बना लेता हूँ जल्दी से थोड़ी बहुत डस्ट, फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं वो इंगट बनाने मेरे को। तो अब बना लेते हैं अपनी मंड बिस्टर डस्ट ये रही। तो ये मंड बिस्टर डस्ट, आई डोंट नो कैसा नाम है, और ये गोल्ड का इंगट बन के तैयार है, एक डिफेंट टाइप का गोल्ड है, तो आर्सेन गोल्ड है। और इसके लिए क्या चाहिए होगा, चारकोल तो पड़ा है यार मेरे पास, ब्लॉक बना के रखे हैं मैंने, तो ये चारकोल का बनाया और ये इंगट बन गया अपने गोल्ड का। तो मेरे को 2 चाहिए होंगी शायद, तो एक और चाहिए होगा, तो डस्ट ये थोड़ी बहुत और ले लेता हूँ, और फिर अपन ये गोल्ड का ये बना लेते हैं। और कहाँ गया है, ये रहा आर्सेन गोल्ड, और ये 2 चाहिए होंगी मुझे। और अब अपना जो अपन मेन चीज़ बना रहे थे वो बन जाएगी अपनी, तो ये आई बन के तैयार है। तो ये क्या काम आता है कि ये कोई भी अपने आसपास के मॉब को दिखाता है, तो अपन इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आसपास पे जो भी मॉब्स हैं, जो भी हैं चीज़ें अपनी, वो इसमें अपन को शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आगे की प्रोसेस बताता हूँ। इसमें यह बेस्ट्री लेक्टन और बेस्ट्री बुक बनती हैं, इनसे क्या होता है कि अपन डिटेल को ले सकते हैं किसी भी मॉब के या ड्रैगन के। तो अब अपन एक पोर्टल में जाने वाले हैं, वहाँ पर ड्रैगन को स्पॉन कराने के लिए पहले इनकी डिटेल निकालनी पड़ती है। तो ये बेस्ट्री लेक्टन और ये बेस्ट्री बुक बनती है, तो इसके अंदर ये बेस्ट्री पेपर डाल दो और ये आपको कोई भी डंजन या किसी मॉब को मारोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जितनी भी डिटेल रखी है तो इनको ले लोगे तो इस बुक के अंदर आ जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ जो भी चीज़ें मिले। तो ये शायद फुल हो चुकी है या पेपर ख़त्म हो चुके हैं, आई डोंट नो। तो ये पूरा लगभग फुल हो चुकी है बुक। तो अब मैं इसके अंदर डिटेल आ चुकी है, देखो इसके अंदर ड्रैगन जो जो मैंने चीज़ें ली हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो फिलहाल इनकी डिटेल आ चुकी हो, तो अब चलते हैं हम नेदर के अंदर। तो अब अपन को एक पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से अपन ड्रैगन को फाइट करके देखते हैं एक बार। तो देखेंगे अभी, पहले मैं नेदर में चलता हूँ और वो पोर्टल में आपको बता भी देता हूँ। वैसे आपको पता होगा यार, जो आपने माइनिंग पोर्टल देखा था ना वैसा ही वो नेदर में लगाया था मैंने।
तो उसमें जाकर अपन देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ पर ये रहा, तो इस पर शिफ्ट और राइट क्लिक करो और इसमें चले जाएंगे। तो अब बाहर चलता हूँ जल्द पहले, तो फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ और अब देखता हूँ यहाँ पे आसपास कोई ड्रैगन मिलता है या नहीं, और इस आई को एमुलेट को ऑन कर लो जिससे अपन को आसपास के मॉब दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। और यार इस यहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल है यार, ये मतलब क्या होती है, ये मिक्स बायोम होती है इसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर जितनी भी नेदर सारी मिक्स हैं इसके अंदर, और इसमें ड्रैगन ढूंढना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आई होप कि स्पॉन हो गए होंगे और देखते हैं यार स्पॉन हो जानी चाहिए शायद। तो फिलहाल मैं अभी ढूंढ कर अभी आपको 2 मिनट में मिलता हूँ ड्रैगन को। 6.5 hours later और रियली में मुझे यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और मुझे ड्रैगन नहीं मिला है रियली में, और कोई भी डंजन भी नहीं मिला है मुझे यहाँ पे। तो कोई बात नहीं यार, मैं घर पे चलता हूँ यार, बहुत देर हो गई मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर पर और फिर जाके आगे की चीज़ें देखते हैं। तो फिलहाल अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अरे यार जेट पे कुछ चार्ज कर करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो इसमें एक एंजल रिंग बनती है, तो मैं वो एंजल रिंग बता देता हूँ। इसके लिए सारी चीज़ें पड़ी हैं लगभग, ये माना कि सारी चीज़ें, तो इसमें एक डायमंड रिंग बनती है और इसके लिए मेरे पास इलाइट्रा भी पड़ी है। इलाइट्रा वाली वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी गलती से, तो सॉरी वो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो ये पहले डायमंड रिंग बना लेते हैं और इसके बाद में एक एंजल रिंग बनती है इसके अंदर, तो ये एंजल रिंग बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें आप मॉब्स को मारोगे डंजन में आपको मिल जाएंगी। तो ज़्यादा आपको प्रोसेस मैं बता देता हूँ एकदम ईजी तरीके से। तो फिलहाल मैं एंजल रिंग बना लेता हूँ। और ये क्या होता है कि जेट पैक, अब इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, तो आप जेट पैक पहनो मत और इसको पहन लो, और नॉर्मल से आपको फ्लाई करने में थोड़ी सी हेल्प कर देगा और ये अपनी स्लॉट में पहन जाएगी अपनी आर्मर वाले में। तो ये नॉर्मल से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता। तो अभी मैं आपको उड़ के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बाहर चलते हैं और फिर आपको इसको टेस्ट कर लेते हैं उड़ती कैसी है ये। आई डोंट नो इसकी की होगी शायद कुछ, और ये उड़ की नहीं रही भाई, उड़ जा। तो आपको स्पेस दबाना पड़ता है, तो स्पेस डबल 2 बार स्पेस दबाओगे तो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक क्रिएटिव की तरह मतलब आप उड़ पाओगे। तो इसमें एक ये ट्रिक होती है कि इसमें एक एंजल रिंग बनती है और इसे बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें बहुत सारी मेटल चाहिए होते हैं, तो वो आपको रियल वर्ल्ड मैंने बता दी भी दिए। तो लगभग ये बना लिया, तो बाकी प्रोसेस देखते हैं। तो चलो माहू वाले मोड पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो इसमें पहले क्वार्ट्ज की डस्ट बनाते हैं, थोड़ी बहुत क्वार्ट्ज की डस्ट बनाओ और माहू वाले मोड पे थोड़ा सा काम करते हैं। यार मेरे को ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जा सकते हो, बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनती है माहू से। और थोड़ी सी आयरन की डस्ट बना लेते हैं और मेरे को क्लोथ चाहिए होंगे, तो लगभग ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बाहर चलते हैं और थोड़ा सा मैजिक करके देखते हैं, यार मेरे को खुद को नहीं पता इसके बारे में। तो क्लोथ ले लेते हैं और बाहर जाके मैजिक करके देखते हैं। तो फिलहाल अभी बाहर चलते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले मेरे को एक क्लोथ लगाना पड़ता है शायद। तब थोड़ा सा ये माहू वाला मोड देख लेते हैं यार, इसके बारे में मुझे पता नहीं है यार। तो पहले खुद को ब्लीडिंग करो और इस पर 1 दबाओ और ये बन गया सर्कल, और इसमें 2 डालनी है क्वार्ट्ज की डस्ट और एक ये आयरन की डस्ट, और इस पर राइट क्लिक करो और ये एक गोल गोल जा जाएगा और इससे शायद मेरे को एक वेपन मिलेगा। आई डोंट नो यार ये गायब कहाँ हो गया यार, इससे एक वेपन मिलता है जिससे थंडर गिरती है यार। आई डोंट नो ऐसा ही कुछ देखा था मैंने यार, ये मिला क्यों नहीं, आई डोंट नो यार, मेरे को रियल इमेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है यार। पता होता तो मैं आपको बता देता, बट अगर आपको पता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो फिलहाल दोबारा से एक ब्लीडिंग करो, ये 1 दबाया, सर्कल बना और इसके ऊपर मैं अब 2 आयरन की डस्ट और 1 क्वार्ट्ज की डस्ट और राइट क्लिक, और अब इससे शायद आ जाएगा एक वेपन आता है और उससे थंडर पड़ती है यार, वो बहुत खतरनाक है। तो ये आ क्यों नहीं रहा यार, आई डोंट नो यार ये हो क्यों नहीं रहा यार। देखो ये इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ बट इससे वेपन नहीं आया यार, कोई तो मैजिक हुआ था यार अभी अभी यार। और वो सर्कल वो भी गायब हो गया पेपर, और ये रहा। ये क्या होता है कि ये बता देता हूँ, ये क्या होता है कि अपन को अलार्म होता है कि अगर अपने आसपास कोई भी मॉब होता है तो ये अपन को अलर्ट करने का काम आता है। ये माहू का मोड है, तो इसमें ये बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। सर्कल बनाओ, इसमें 2 आयरन की डस्ट और 1 क्वार्ट्ज की डस्ट डालो और इस पर राइट क्लिक करो, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके आसपास कोई मॉब आएगा तो आपको अलर्ट कर देगा, और बस यही है इसका।
तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो हम वीडियो को अब इतनी रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखो और बताओ यार, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।